बच्चों, मैं ऐसे गुप्ता मैथ सफारी चैनल से, जो हमारी सीरीज आजकल चल रही है, जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है कंपटीशंस में आने वाले क्वेश्चंस को इजी बनाना। जो उसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर पार्ट होते हैं, टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, उनको टेक्निक द्वारा इजी बनाना, और आप क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सके जल्दी कर देंगे, और जल्दी करेंगे तो कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी मिलेगी। हमारा टॉपिक चल रहा था कि फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन, और हमने शायद कल कुछ करके 9, 9, 999 का दिखलाया था। बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि साहब 11 का भी तो करके दिखाइए। चलिए साहब, उनके किसी कंपटीशन में क्वेश्चन आया होगा, वो 11 का पूछ रहे हैं। तो मेरा आज टॉपिक है डिवाइड एनी नंबर बाय 11, कितना ही बड़ा नंबर हो। तो चलिए साहब 11, तो करने की टेक्निक सीख लीजिएगा इसकी क्या है। तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिवाइडेड बाई 11। मैंने जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा इसको कर दिया, और इसको 11 से डिवाइड करने का हमको ऑर्डर हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ये आ गया एग्जाम में, तो कैसे करेंगे आप? एक्चुअल करेंगे, कर देंगे, देर लगेगी और गलत भी होने के चांस है। खैर, इसमें ये टर्म कहलाती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अप टू 9 तक, ये 9 टर्म है। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ उठा लीजिए। हम हर सवाल में, हर उसमें पहले 9 वाले में भी ऐसे ही करा था, तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख दीजिए। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? 2 और 1 का डिफरेंस लेंगे। 2 में से 1 घटाइए, ऐसा करिए, 2 में से 1 घघटाइए तो 1, 3 में 1 घटाइए तो 2, 4 में 2 घटाइए तो 2, 5 से 2 घटाइए 3, 6 से 3 घटाइए 3, समझ में आ रहा है? 7 से 3 घटाइए 4, 8 से 4 घटाइए 4, और 9 से 4 घटाइए 5। ये मैंने लिख दिया। फिर देख लीजिए कैसे करें। अगर एक सवाल आप समझ गए तो सारे कर लेंगे। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखा, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 4 4, और 9 माइनस 4 5। ठीक है, अब लास्ट टर्म तो हमारा रिमाइंडर बताता है। ये रिमाइंडर आ गया 5, ये आ गया रिमाइंडर 5। क्यों भाई 5 क्यों आया? क्योंकि 11 से छोटा नंबर है, तो रिमाइंडर 5 ही होगा। अप टू 10 तक आ सकता है। ठीक है, तो बचे नंबर क्या है? बचे नंबर ये है, और यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। आप एकदम टिक कर दीजिए, दिस इज क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये क्वेश्चन है, रिमाइंडर 5 है। आप एकदम टिक कर दीजिए आंसर में, जो आंसर दिया होगा। देखिए दूसरा सवाल ले रहे हैं हमने, दूसरा 2, 4, 6, 8, 9 2, 6, 8 और 9 डिवाइडेड बाई 11, ये क्वेश्चन ले लिया साहब। ठीक है, चलिए साहब, पहला टर्म एज इट इज उतार लीजिए। आपको समझाया है 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 4 4, 9 4 5। 5 को अलग को लिख दीजिए, ये रिमाइंडर आ गया। क्या आया रिमाइंडर? 5। तो क्वेश्चन क्या आया? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। ये है तरकीब करने की। ठीक है, चलिए साहब, 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ये है, यहाँ से लेंगे, सीखेगा आप। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 और 8 दिस इज डिवाइडेड बाई 11, ये भी देखेगा। अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं। फर्स्ट टर्म को एज इज लिख लीजिए, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 2 3,
7 minus 3, 4, 9, 4, 9 minus 4, 5, और 8 minus 4, 3. लास्ट टाइम 3 आया तो ये रिमाइंडर आ गया. रिमाइंडर क्या आया? 3. तो क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन ये आ गया. समझ गया? इजी है, अभी तक इजी था. थोड़ा सा टेक्निकल लाते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. टेक्निकल थोड़ा सा चेंज होगा. थोड़ा सा चेंज कर दिया. देखिएगा, मैंने कहा 5 ऐसे उतारिए. ये नंबर बड़ा होगा तभी 5 घटेगा. तो 1 6 में से 5. ये बड़ा होगा, हाँ बड़ा है. ये छोटा है, ठीक है. 8 में से एक गया 7. यार 8 ये बड़ा होना चाहिए, ये 6 है, ये 7 है. ये तो नहीं हो रहा सेपरेट, नहीं हो रहा सेपरेट. तो कैरी ओवर लेंगे, बचपन से पढ़ते आए तो कैरी ओवर हम यहाँ से लेंगे. यहाँ से नहीं, यहाँ से लेंगे. यहाँ से एक कैरी ओवर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 16. और इसमें से क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा. ये 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6 हो जाएगा. अब 6 में से ये घटाइए. अब ये बड़ा नंबर में से 6 गया 10. ये आंसर आ गया. तो रिमाइंडर क्या आया? तो इसे ऐसे लिख लीजिए 5, 1, 6 और 10. मैंने साफ साफ ऐसे लिख लिया. तो रिमाइंडर क्या आया? 10. और ये क्या आया? क्वेश्चन. आया समझ में? कुछ बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आया. ठीक है, देखेगा, दोबारा देखेगा. फर्स्ट टर्म को उठाइए. उठा लिया. ये बड़ा होगा नंबर ऑलवेज. 6 minus 5, 1. बड़ा है 8. 8 में से बन गया 7. यार ये 7 आ गया और ये 6 है. ये तो घट नहीं रहा, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा. तो हम कैरी ओवर लेंगे. कैरी ओवर यहाँ से लेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से. यहाँ से 7 था, 7 में से एक कैरी ओवर लेके इधर लिख दिया तो ये 16 हो गया और एक कम हो गया, ये 6 हो गया. कैरी ओवर ले लेता. अब 6 में से ये घटाऊंगा तो ये 10 आया. तो ये रिमाइंडर आ गया. और ये 5, 1, 6 ये हमारा क्वेश्चन हो गया. आया समझ? और कराते हैं इसी तरीके के सवाल और कराएंगे. आप समझने की कोशिश करिए. ये कंपटीशन में आते हैं कितनी जल्दी करे जाते हैं, वो टेक्निक है ये. ठीक है, अभी और सिखलाते हैं.